नमस्कार दोस्तों, अपने भाई लोग का किसी का कमेंट आया कि DHFL पे बताइए सजेशन। तो दोस्तों, दो कमेंट का मैंने जवाब दे दिया है, जेट एयरबेस और पीछे ज्वेलर्स के बारे में, और तो अब है DHFL। तो DHFL पे भी सबसे पहले तो मैं इंट्राडे पे आना चाहूँगा कि इंट्राडे पे यानी कि अतिशीघ्र कार्य होता है, तो इंट्राडे पे सबसे पहले कर लेते हैं आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, उसके बाद में अपन बात करते हैं इसमें होल्डिंग बेस पे। तो दोस्तों, इंट्राडे बेस पे इसने सेलिंग प्रेशर बना रखा है और सेलिंग प्रेशर इसने बना लिया है, और इस कैंडल को ब्रेक करने के बाद में इसने यहाँ पे सेल आउट दे दिया है, बिल्कुल सेल आउट हो गया है यहाँ पे, और अभी सेल आउट है। एक बार इस कैंडल को सस्टेन होने दो, उसके बाद में इंट्राडे बेस पे कह सकते हैं दोबारा से इसमें ऊपर आने के उछाल है, लेकिन अभी इसमें थोड़ा सेलिंग प्रेशर बना हुआ है, और इसमें सेलिंग प्रेशर का जो स्टॉप लॉस रहेगा, मैं बता देता हूँ आपको, स्टॉप लॉस जो रहेगा सेलिंग प्रेशर का, वहाँ जहाँ तक स्टॉप लॉस दोस्तों यहाँ पे है 235 रुपये का इसका स्टॉप लॉस है सेलिंग प्रेशर का। तो यानी सेलिंग प्रेशर अगर कोई जो होल्डिंग इतने इंट्राडे में बाई करके बैठे हैं तो 235 पे एग्जिट की सलाह रहेगी, और फिर भी देखो मार्केट दोबारा घूम जाए कह नहीं सकते हैं इंट्राडे बेस पे, और ऊपर की तरफ स्टॉप लॉस रहेगा अगर जिन्होंने सेल कर रखा है, तो यहाँ पे स्टॉप लॉस रहेगा 242.80 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है दोस्तों, अब दोबारा से मार्केट यहाँ पे फिर बाई पोजीशन ये बना सकता है, लेकिन अभी मैं इसमें आऊँगा होल्डिंग बेस पे। ठीक है, ये इंट्राडे बेस पे ये है, यानी कि ये अपन कह सकते हैं अभी जो आज का दिन है उसका ये खेल है। ठीक है, अब आ गया हूँ दोस्तों, मैं इसमें आ गया हूँ चार्ट पे, इसके जो होल्ड लॉन्ग टर्म का जो चार्ट है उस पर आ गया हूँ मैं। इस चार्ट के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि इसने यू टर्न जो बनाया था, इसने यू को बिल्कुल तोड़ा है, और यू बिल्कुल घूम के मार्केट ऊपर की तरफ निकलने की कोशिश कर रहा है, और मैंने इसमें शॉर्ट टर्म में आपको टारगेट भी दे रखे हैं दोस्तों कि 270 और 300 और 340 का इसमें मैंने टारगेट दे रखा है। मुझे याद है, आप तो भूल गए होंगे, लेकिन मुझे याद है मैंने टारगेट आपको इसके दे रखे हैं शॉर्ट टर्म में ही 270 340 का। ठीक है, बात करते हैं अब इसमें लॉन्ग टर्म के। तो मूविंग एवरेज जबरदस्त है, मार्केट बुलिश के साथ है, आज इसमें ये सेलिंग का जो प्रेशर दिखा रखा है, लेकिन ये इंट्राडे का ही खेल है, तो कह सकते हैं दोबारा से इसमें ऊपर उछाल आने की उम्मीद है। तो अपन बात कर लेते हैं अब इसकी ब्रेकआउट की, मार्केट कहाँ तक इसकी जाने की संभावना लग रही है। मैंने बता ही दिया था पहले, टारगेट मैंने बता ही रखे हैं 270 340 का। ठीक है, दोबारा फिर भी आपको मैं समझा देता हूँ, यहाँ पे जो इसका ये यू टर्न बना था 228, इसको ब्रेक कर गया है उसके, यहाँ पे बिल्कुल पूरा यू की बात करें, इसने जो अधूरा यू बना था यहाँ ब्रेक किया था, उसके बाद पूरे यू की बात करें मैं, यानी संपूर्ण यू की मैं बात करता हूँ 244 को, 244 को भी इसने ब्रेकआउट किया था, वापस नीचे आ गया है 244 को, एक बार इसने ब्रेकआउट कर दिया है। तो दोस्तों, अपन मार्केट को कह सकते हैं, यानी कि जो मैंने बताया था 270 रुपये का, तो यहाँ पे 270 यह दिख रहा है, जो कैंडल 270 रुपये से जाना तय है, लगभग 90% कह सकता हूँ। और उसके बाद में 300 का यहाँ पे जो मुझे आंकड़ा दिख रहा है, यहाँ से सही जो इसका सेलिंग प्रेशर था 300 रुपये तक, इसका आंकड़ा मुझे नजर आ रहा है, और इसको ब्रेक करते ही 340 तक मार्केट को जाने की इसमें 90% की संभावना बनी रहेगी। तो दोस्तों, DHFL पे मैंने आपको लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में दोनों को व्यू आपके सामने रख दिया है दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलिए दोस्तों, और वीडियो करता हूं एंड, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर डालें, लेटेस्ट न्यूज मिलती है आपको SS मार्केट न्यूज़ पे। तो ओके दोस्तों।